557 ट्रैक्टर लिए हुए हैं और भूसा चला रही है, इस साल लिए हैं। उसके बाद देख रहे हैं कितना डीजल खा रही है, 5 से 6 लीटर खा रही है। ठीक, मतलब इस गाड़ी से हम खुशहाल हैं, तीन तीन गाड़ी आयसर में रख चुके हैं। अन्य ट्रैक्टरों से 1 लीटर का अंतर भी है इसमें, डीजल कम खाता है। अच्छा, मतलब दिन भर में और रात को करके हमको इसमें करीब 20 लीटर डीजल की बचत बराबर है इस ट्रैक्टर में 855 से। ये मानो कि 60-70 हजार रुपए का डीजल लगभग आराम से पूरे सीजन में बच जाएगा। सर, मेरा ट्रैक्टर जो है इसको मैंने लगभग 2000 घंटा चला लिया है, अभी लेवलर में भी चला लिया है, इसको वॉशिंग मशीन में भी चला लिया है, लेकिन अभी जो कंपनी की क्लच प्लेट है वो भी सही है, अभी कंपनी की लगी हुई है उसमें, और इसमें नो मेंटेन है, मेंटेन कम से कम में अच्छा चलता है और अच्छा काम करता है। मेरा नाम दीपू, गांव काबड़ी। मेरे पास 3 ट्रैक्टर हैं, एक महिंद्रा 605 और एक न्यूलैंड 3630 और एक स्वराज 740। आज मैंने कंपनी का डेमो लिया 557 का, जो मैंने रिपोर्ट में चला के देखा, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है ट्रैक्टर की, ऊंचाई भी अच्छी है, तेल की खपत भी ठीक है और मेरे को बहुत अच्छा लगा। ठीक है जी, धन्यवाद। राम राम भाई, यो नाम अंकुश, गांव गुप्ता भाई। उस वो 55 चल रहा, उसकी जगह यूँ चलाया था रिपोर्ट में, बहुत बढ़िया चल रहा भाई, ना 1% भी दिक्कत आई, ना गर्म आएगी जाएंगे दिक्कत नहीं आई, बहुत बढ़िया। आधा घंटा में ट्रैली पर दिवा जुड़ेगी, बहुत बढ़िया चल रहा। ड्रा मशीन में सर उसका बढ़िया रिजल्ट है जी, डीजल खपत भी बढ़िया रहती है। अच्छा, और परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहता है जी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई गर्म की समस्या भी नहीं है। अगर ट्रैक्टर लेना है तो 557 दीजिए। अच्छा, इससे अच्छा ट्रैक्टर मेरी नज़र में नहीं है। अच्छा अच्छा, ओरिजिनल का एवरेज चलने में, ताकत में, हाँ जी, बहुत पावरफुल है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि भाई लोगों, सब किसान बंधुओं से लगे तो आयसर ही लें, आयसर एक नंबर ट्रैक्टर है, अच्छा काम करता है, इसकी खपत भी कम है, वो काम भी अच्छा बढ़ के चलता है, ज़्यादा से ज़्यादा काम करता है।